वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के मिथ्स, मिसकंसेप्शंस या मैं बोलूँगा कन्फ्यूजन्स के ऊपर। क्या क्या कन्फ्यूजन है? आयुर्वेदा स्लो है? आयुर्वेदा में तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। आयुर्वेदा इफ़ेक्टिव नहीं है। आयुर्वेदा साइंस नहीं है। आयुर्वेदा तो एक हाइपोथेसिस है। आयुर्वेदा तो एक मिथ है। आयुर्वेदा पूरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे ही क्वेश्चन मार्क है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसको समझते हैं। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें और हम अपने पास्ट में जाके देखें, पास्ट में जाके झांक के देखें, सो आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस पूरी दुनिया की अगर शुरुआत की हम बात करें तो उसमें अगर हम हिंदुस्तान या इंडिया या भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। यहाँ पर जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट नॉलेज या बुक्स हैं उसमें वेद अपना एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। एंड आयुर्वेद कम्स फ्रॉम अथर्ववेद, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी, इसको डेवलप किया। लेकिन हमारा पास्ट रहा जिसमें हमारे को कई तरीके के फॉरेन अटैक्स के साथ अपने आप को सर्वाइव करना पड़ा, एंड वो सारे रीजंस थे कि आयुर्वेदा धीरे धीरे डिमिनिश हुआ। अभी ये दोबारा इवॉल्व हो रहा है, दोबारा ये राइज हो रहा है। क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली चीज़, आयुर्वेदा स्लो है। आयुर्वेदा स्लो नहीं है। आयुर्वेदा क्या करता है कि आयुर्वेदा किसी भी डिजीज़ के रूट कॉज को समझ के उस रूट कॉज को हील करता है। मैं किसी भी और पैथी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ आप सबको, आप ये चेक करें, आप किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो आपके डिजीज़ को सप्रेस कर रहा है या फिर उसको ठीक कर रहा है? कैसे, समझते हैं दो तीन एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए किसी कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ की दवाई अगर वो खा रहे हैं तो वो डायबिटीज़ की दवाई उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखती है, लेकिन जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं उनको ठीक नहीं करती, क्योंकि इंसुलिन पेनक्रियास के बीटा सेल्स बॉडी में बनाते हैं। तो जब डायबिटीज़ की दवाई, होता क्या है, जनरली हम पहले गोली से शुरू करते हैं, 5 साल 10 साल हम वो गोली खाते हैं, धीरे धीरे वो गोली इफेक्ट करना, काम करना बंद कर देती है और हम इंसुलिन पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर वो इंसुलिन 5-10 यूनिट से 50-100 यूनिट तक पहुँच जाती है। सो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारे बीटा सेल्स ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। उन्हें तो लगा कि ये कोई दवाई खा रहे हैं जिससे इनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में है, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर सप्रेस हुआ डिजीज़, वहाँ पर डिजीज़ दब गया और धीरे धीरे उसने विकराल रूप ले लिया हमारी बॉडी में। अगर कंपेयर करें आयुर्वेदा मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में, सो वहाँ पर बीटा सेल्स को रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है सेल्स का, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली रिसर्च इसके ऊपर की जा रही है, हुई है, जिसके ऊपर हमने देखा कि बीटा सेल्स रीजनरेट हुए। बीटा सेल्स रीजनरेट हुए तो डायबिटीज़ से बॉडी अपने आप फाइट करना शुरू कर देती है। एंड हम अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करें, पिछले 13-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ा। सो पॉइंट ये है कि रीजनरेशन है, रूट कॉज से हीलिंग है, सो दैट आयुर्वेदा थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये स्लो नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ हैं, आप पेन की बात करें, आप एंग्जाइटी स्ट्रेस या नींद से इशू की बात करें, आप कोई भी और इशू की बात करें, पथरी हो जाती है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, किडनी में पथरी हो गई, आयुर्वेदा से हम कुछ ही दिनों में उस पथरी को आपके शरीर से सिंपल दवाइयों के साथ निकाल सकते हैं, किसी भी बिना सर्जरी के। एनोरेक्टल इश्यूज हैं, पाइल्स है, फिस्चुला है, फिशर है, लोग सालों साल परेशान रहते हैं, सर्जरी कराते हैं, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, आयुर्वेदा में उसका बहुत सिंपल तरीके से कुछ ही हफ्तों कुछ ही महीनों में इलाज है। कई तरीके की ऐसी गायनी प्रॉब्लम्स हैं, PCOD है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, फीमेल सालों साल परेशान रहती है। तो क्या आयुर्वेदा स्लो है? नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में करा रहे हैं और उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर टाइम में उस बीमारी को ठीक करता है। सेकेंड पॉइंट, आयुर्वेदा दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं? ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा की जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उन सबको FDA, WHO, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑडिट किया है। उनके प्लांट से कोई भी दवाई निकल के आती है, सबके ऊपर एनालिसिस होता है, सबका बैच एनालिसिस किया जाता है। जैसा कि आप कोई और पैथी की अच्छी कंपनी की दवाई लेते हैं, ऐसी आयुर्वेदा में भी अगर आप एक अच्छी कंपनी की दवाई लेंगे
तो वो क्वालिटी, वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल निश्चित किया जाता है। बस आप ये ध्यान रखें कि आप खुली दवाई अवॉइड करें, आप किसी भी डॉक्टर से पैक दवाई लें। हाँ, कई बार ये देखा गया है कि कई डॉक्टर्स, आयुर्वेदा डॉक्टर्स, क्योंकि आयुर्वेदा दवाइयाँ हर मेडिकल पे अवेलेबल नहीं होती, तो क्या करते हैं कि बल्क में मेडिसिंस खरीदते हैं और आपकी सुविधा के लिए उनको छोटी छोटी पैकिंग्स में देते हैं। तो उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि क्या लेबल पे ये मेंशन है कि वो GMP सर्टिफाइड प्लांट से बनाई गई हैं। अगर वो GMP सर्टिफाइड प्लांट से बनाई गई हैं तो वो दवाई विश्वसनीय है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं एंड कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर या सेंटर नहीं चाहता कि आपको घटिया क्वालिटी की दवाई मिले। हाँ, लेकिन आयुर्वेदा के नाम पे जो झोलाछाप प्रैक्टिस है, जो फर्जी डॉक्टर्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना। इसीलिए प्रॉब्लम है, बदनाम वो लोग करते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि एक BAMS जो मेन डिग्री है आयुर्वेदा की, जो डॉक्टर है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, उसकी डिग्री कहाँ से उसने ली है वो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को अवेयर करें, जिसके बारे में आजकल बोला गया है ग्राहक जागो, ग्राहक कंज्यूमर राइट्स। तो आप चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदा है, कोई भी है, आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन, क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं, वो ज़रूर चेक कर लें। एंड अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसने अपनी डिग्री, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है, तो दैट मीन्स वो जेन्युइन है, उसका ध्यान रखें। एंड कोई भी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर आज की डेट में आयुर्वेदा प्रैक्टिस, ऑथेंटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिस में स्टेरॉइड्स या कोई भी ऐसी दवाइयों का यूज़ नहीं करते हैं, ये समझने वाली बात है। थर्ड, आयुर्वेदा में ये भी देखा गया है कि आयुर्वेदा को क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि क्या ये वाकई एक साइंटिफिक सिस्टम है। डेफिनेटली इसके ऊपर कई तरीके की रिसर्चेज अवेलेबल हैं, कई ऐसी हर्ब्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके ऊपर रिसर्च की गई है। IITs से लेके नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आयुर्वेदा के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने जामनगर इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया है। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम काफ़ी सीरियस है एंड काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप चेक करेंगे, अगर आप गूगल करेंगे, आप सर्च करेंगे, तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, मॉरिशियस, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया की कंपनीज़, कई जगह आयुर्वेदा को एज ए रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड वहाँ के सिटीजन्स को आयुर्वेदा के बारे में, उसकी एजुकेशन, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एंड आयुर्वेदा को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे योग बाहर गया, योगा बन के आया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसी आयुर्वेद बाहर जा रहा है, आयुर्वेदा बन के आ रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस मानसिकता से निकलें। आयुर्वेद, आयुर्वेदा आपका अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपनी लाइफ में। एंड बाय द वे, आयुर्वेद खाली बीमारियों का इलाज करने का सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग, ये हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मीन्स हेल्दी इंडिविजुअल की हेल्थ को पहले प्रिजर्व करें, एंड अतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स पेशेंट को ठीक करें। सो फर्स्ट हमारा विजन, फर्स्ट मिशन, फर्स्ट एम है हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी रखना। सो आयुर्वेदा इज़ ए वे ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा आपको सिखाता है कि कैसे हेल्दी लाइफ को जिए, कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एडॉप्ट आयुर्वेदा, हैव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू।